इंटरनेट पर आप जो कुछ देखते हैं वो तो इंटरनेट का सिर्फ 1% है, उसके बाकी का हिस्सा तो हम देख ही नहीं पाते, और उस हिस्से को कहते हैं डार्क वेब। वहाँ सिर्फ बंदूकें और ड्रग्स ही नहीं बिकती बल्कि इंसान के मांस को भी बेचा जाता है और उसे बनाने का तरीका भी सिखाया जाता है। ये सब करने वाले कोई आतंकवादी नहीं होते, आपको माँ बुलाने वाला आपका लड़का, आपका बेटा या आपको दीदी कहकर बुलाने वाला आपका भाई भी हो सकता है। आप जो फ्री में यूज करते हैं ना वो सच में मुफ्त में नहीं होता है, क्योंकि उसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और उनकी असली कमाई होती है आपका डेटा, आपकी जानकारी, उनका बैंक बैलेंस होता है। एक दिन आप रेड साड़ी सर्च कीजिए, उसके दूसरे ही दिन आपको पेज पे अलग अलग रेड साड़ी के ऑप्शंस नजर आएंगे। कैसे? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। आजकल पैदा हुए बच्चे का भी फेसबुक अकाउंट बना देते हैं। आप बच्चों को कंप्यूटर खरीद कर दीजिए लेकिन उन्हें बेडरूम में यूज करने मत दीजिए, हॉल में दीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। डार्क वेब में फंसे हुए लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते क्योंकि उन लोगों पर एक मर्डर केस होता है। हमारे लिए जो वरदान था वही श्राप बन चुका है। कंप्यूटर तो कभी इंसान नहीं बन सकता, लेकिन इंसान कंप्यूटर बनता जा रहा है।